हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और व्यू जेस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में, बिफोर क्रिएट और क्रिएटेड के बारे में। मैं आपको वीडियो को पॉइंट्स दिखाऊंगा, पॉइंट्स के बाद में यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का मैं बताऊंगा कि कब कब ये चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं, और उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे दोनों के लिए। सबसे पहले कि ये काम कैसे करते हैं और इनका यूज़ क्या है, और एग्जाम्पल हम तीनों चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए अगर इनका यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम डायग्राम पे आते हैं तो देखिए, स्टार्टिंग के अंदर ही ये दोनों लाइफ साइकिल यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, बहुत एक लंबी लिस्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे लाइफ साइकिल हैं, 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर ये दोनों हैं। सो एक्चुअली दोनों के स्टार्टिंग का उनका मतलब ये है कि जब भी हमारा कंप्यूटर बनने वाला होता है, ठीक है, बना नहीं होता, जब भी बनने वाला होता है उससे पहले बिफोर क्रिएट लाइफ साइकिल हुक, या फिर आप कह सकते हो लाइफ साइकिल मेथड कॉल हो जाता है। जैसे ही हमारा डाटा और इवेंट्स वगैरह सेट होते हैं उसके बाद में क्रिएटेड जो लाइफ साइकिल होता है वो कॉल होता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैंने एक कंपोनेंट, आपको पता होगा लाइफ साइकिल जो मेथड्स होते हैं वो कंपोनेंट के हिसाब से काम करते हैं, एक पूरे एप्लीकेशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो मैंने कंपोनेंट बना रखा है होम डॉट व्यू, यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा क्योंकि आपको पता है कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से नहीं बता रहा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा HTML लिखा है और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, परफेक्ट। अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है कंपोनेंट तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का वहाँ से देख लीजिएगा। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको H1 टैग के अंदर यहाँ पे शो करवाता हूँ, जस्ट लिखता हूँ यहाँ पे नेम। ऑलराइट, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है, दैट्स ओके। अब मैं दोनों लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करूँगा, यहाँ पे जैसे ही मैं उनको कंसोल करवाऊँगा आप देखोगे सबसे पहले क्रिएटेड बिफोर क्रिएटेड कॉल होगा और बाद में क्रिएटेड कॉल होगा, और बाद में कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिफोर क्रिएट लाइफ साइकिल मेथड कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट वॉन, और इसके अंदर लिख सकता हूँ मैं बिफोर, ऑलराइट। और सिमिलरली इसके जैसे ही मैं अगर यहाँ पे एक और मेथड कॉल करता हूँ क्रिएटेड, ऑलराइट, सो यहाँ पे ये क्रिएटेड मेथड कॉल हो जाएगा इस तरीके से। आप देखोगे कि पहले बिफोर क्रिएटेड कॉल होगा, कंसोल होगा, और फिर बाद में क्रिएटेड। चाहे इनका आप ऑर्डर चेंज भी कर दो, अगर आपको ये लग रहा हो कि ऊपर ये है तो इसलिए ये कॉल हो रहा होगा। सो व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो लेट्स चेंज द ऑर्डर फॉर इट, इस तरीके से, परफेक्ट। अब देखिए कौन सा सबसे पहले कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंप्लीट मैं कंसोल हटा देता हूँ, और देखिए सबसे पहले बिफोर कॉल हुआ और बाद में क्रिएटेड कॉल हुआ, ठीक है, दैट्स ओके। अच्छा, इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, मैं कौन सा काम कहाँ पे करूँ? अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अपडेट करना चाहता हूँ ना, तो वो मुझे क्रिएटेड के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर क्रिएटेड जब कॉल होता है ना तब तक हमारा कंपोनेंट बना ही नहीं होता है, ठीक है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ दिस डॉट नेम बिफोर क्रिएट में, तो ये अनडिफाइंड आएगा, यहाँ पे अनिल सिद्धू उसको मिलेगा ही नहीं। देखिए, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से एक बार के लिए, आप देखिए जो मैंने बिफोर के अंदर यहाँ पे लिखा था, नाम लिखा था, वो अनडिफाइंड आया है। और अगर मैं क्रिएटेड के अंदर करता हूँ, क्योंकि क्रिएटेड के अंदर हमारा डाटा और इवेंट्स बन चुके होते हैं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट नेम, तो यहाँ पे अनिल सिद्धू आ जाएगा। अगर मैं इसको हटा के दोबारा से यहाँ पे इससे चेक करता हूँ, तो देखिए बिफोर के अंदर अनडिफाइंड, बाद में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे मेरा नाम अपडेट करना होगा तो मैं इसके अंदर करूँगा, क्रिएटेड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कैसे अपडेट कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम इक्वल टू लेट्स से सैम, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से दिखे। सबसे पहले क्रिएटेड के अंदर सैम आ गया, क्योंकि तब तक हम नाम चेंज कर चुके थे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, सैम। अब आप ये सोच रहे हो कि अच्छा, अगर मैं यही प्रॉपर्टी बिफोर क्रिएटेड में कर दूं तो क्या होगा, लेट्स ट्राई इट। अगर आप ये बिफोर क्रिएटेड में करोगे ना, कोई एरर नहीं आने वाला, बट स्टिल रहेगा अनिल डॉट सिद्धू ही। क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों रहने वाला है। आपने जैसे ही कंपोनेंट रेडी होना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले आपने जो नेम था उसके अंदर अनिल बना दिया, बट ये बिफोर क्रिएटेड था, उसके बाद में हमारा जो डाटा फंक्शन है वो चलेगा, और उसके बाद में नेम फिर से अनिल सिद्धू सेट हो जाएगा, ठीक है, ओके, और वो अनिल सिद्धू ही दिखेगा हमें। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ, बिफोर के अंदर सैम आया,
क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले अनिल सेट कर लिया, सैम सेट कर दिया था इसके अंदर, बट जैसे ही डाटा कॉल हुआ उसके बाद में, क्योंकि सबसे पहले बिफोर का मतलब कंपोनेंट बनने से पहले ये हुआ, जब कंपोनेंट बना तो डाटा कॉल हुआ और उसके बाद में क्रिएटेड के अंदर हमारा फिर से अनिल सिद्धू चला गया, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनिल सिद्धू आया, सैम नहीं आया। सो इस तरीके से बिफोर क्रिएट और क्रिएटेड लाइफ साइकिल हुक कह लो या फिर मैथड कह लो, दोनों की चीज़ें काम करते हैं। ऑलराइट, सो कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आने वाली वीडियो के अंदर हम माउंटिंग और बिफोर माउंटिंग, बिफोर माउंट और माउंटेड दोनों कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड देखने वाले हैं कंपोनेंट में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।